हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग माता रानी की कृपा से होंगे। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो गाइस, सूर्य के बदले नौ, तो आज तो बोला बारिश ही बारिश है यार। तो सुबह से बारिश हो रही है, वैसे आप लोग को बताऊँ तो दूरदर्शन अभी भी बारिश हो ही रही है। तो मौसम तो आज पूरा पैक है गाइस, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो वैसे आज तो घर ही में हूँ मैं, तो मार्केट में जाना है नहीं। तो अभी नाश्ता तो बना रही है, और जस्ट अभी मैं रूम से भी उठा हुआ थोड़ी देर पहले। तो जस्ट उठ के पहले फ्रेश फ्रेश हुआ हूँ गाइस, और जो आज का वेदर है आगे बताऊँ, काफ़ी तगड़ी बारिश आ रही है सुबह से। तो चलते हैं, बारिश देखते हैं, फिर चलते हैं नीचे दुकान में। ये देखो गाइस, पिता उड़ गया मौसम, आज कुछ इस टाइप से है मौसम। तो सुबह है, सुबह से अर्ली मॉर्निंग से बारिश आ रही है, 6 बजे से लगभग 6 बजे से बारिश ही बारिश आप लोग को बताऊँ तो गाइस। तो देख सकते हैं चारों तरफ मौसम पूरा पैक है, और मौसम काफ़ी सुहाना और आपको बताऊँ तो आज ना गर्म ना ठंडा यार, काफ़ी सही लग रहा है। तो गाइस चलते हैं दुकान में, शॉप में बैठते भी मिलता हूँ आप लोग को थोड़ी देर में। जो देखो जो अपना सामान लेके ऐसे भाग रहे हो, उसने लाया लीजिए दुकान से बिस्कुट, और वैसे भाग रहे हैं ना भाई बिस्कुट लेके। हो उसको पता है जब तुम्हें फाड़ूंगा नहीं तब तो वो खाएगा नहीं। इसको देखो ये देखो, अब पकड़ने भी नहीं लेगा वो औरों को। जाए नो या 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 सीट इधर, यह देखा बैठ गया। अब उसको फाड़ूंगा फिर खाएगा, तो ऐसे खेलते रहेगा उसके साथ। उसकी हरकत देखो भाई, मैं दिखा दो। चाई नो इसको, किसका है किसका है? तो देखो इसकी हरकत, किसका है कह रहा हूँ, ये किसका है भाई? इसका बट्टा हो गया, और बिस्कुट इसको खाने की चीज़ तो पकड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। किसकी हरकत देखो अभी, रुक रुक तू। और देखो मम्मी को बुलाओ, बुलाओ अंदर से, गीता को बुलाओ, बुलाओ गीता को, क्या कर रहा है ये हैं, बुलाओ इसको। देखो हरकत, और देखो पकड़ना उसने और बैठ जाना है। और देखो तो भाई इसको बिस्कुट बिस्कुट खिलाता भी मिलता यार। तो गाइस हो चुकी है शाम, तो मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं किया था यार, क्योंकि दिन में मैंने चौराहे को खिलाया था, उसके बाद ब्लॉग नहीं किया था क्योंकि दिन में मैं आज घर में था। अभी पे मैं अभी मार्केट आ रहा हूँ आप लोग बताऊँ तो, और अभी टाइम हो चुका है 4, और जस्ट अभी मैं गंगा निवास के पास में आ रहा हूँ बताऊँ तो। जस्ट अभी मैं मार्केट आ चुका था, तो थोड़ी देर में मैं आ रहा मार्केट की ओर, तो दिखाते हैं सामने आलू की मार्केट। और वैसे कुछ खास प्लान तो नहीं, अभी सोचा नहीं है, लेकिन कहीं चलेंगे तो आपको भी ले चलेंगे गाइस। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, यहाँ से निकलता हूँ फिर मिलता हूँ आप लोगों को। तो गाइस जस्ट आज हुआ था मैं नीचे पेट्रोल पंप के पाया, तो अभी मैंने फिलअप कराया पहले पेट्रोल पंप, यहाँ से पेट्रोल के लिए फिलअप कराया। तो जस्ट मैं निकल रहा हूँ मैं टंगाने की तरफ, यहाँ मेरा काम है टंगाने की तरफ, तो वो काम निपटा दें गाइस, फिर आते हैं उसके बाद। तब तक टाइम की मजे लो गाइस। से पहुंच जाना आपको डकाने की गलियों में, न्यू लाइन आपकी डकाना है गाइस। तो गाइस पहले काम वाम निपटाता हूँ फिर मिलता हूँ आप लोगों को। तो गाइस हो चुकी है शाम, और जैसे भी मैं हूँ आपका रोडवेज के पास, तो अभी मैं जा रहा हूँ आपका गाइस जस्ट चटकेसर धाम, क्योंकि वहाँ पर भागवत चली है। मौसम दिख रहा होगा यार, यहाँ पर पूरा बारिश चालू हो चुकी है, यहाँ पर बारिश आ रही है, बारिश चालू हो चुकी है। भाई फोन निकालता हूँ मैंने, चालू दिख जाएगा भाई।
गाइस देख सकते हैं सिस्टम है, चटकेश्वर टेम्पल के बाहर हूँ और काफ़ी देर बारिश आ रही है यार। जस्ट में पहुँच चुका था यार यहाँ पर अभी, तो आपने देख सकते हो गाइस तो यहाँ भागे चल रही है, तो बारिश हो रही है। लेकिन आप लोगों को बताऊँ तो गाइस और आरती हो चुकी है शायद, तो गाइस अंदर चलते हैं, मिलता हूँ आप लोगों अंदर। हमारे भाई हमारी हेल्प कर रहे हैं, मैं आप लोग बताऊँ गाइस, काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे भाई लोगों को देखिए यार।
तो भाई बाहर का क्राउड आप लोग देख ही सके हैं, पहले देख ही सके हैं बाहर का क्राउड को। तो काफी मैं से बताऊँ तो मंदिर भी काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है, आप लोग को बताऊँ जाएगा। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, और जैसे मैं आरती से थोड़े टाइम बाद पहुँच ही चला गया था मेरे को। और जो देखते हैं तो मेन है बोलो भाई दिक्कत नहीं है। तो भाई कुछ कह रहे हैं कि जो पिथौरागढ़ का जो फर्स्ट टेम्पल है ऐसा तो ऐसा डेकोरेट किया गया है, आप लोग बताऊँ तो गाइस। तो वैसे मैं आपको सावन के टाइम में तो पूरा मैं आप लोगों को टेम्पल जो टेम्पल है पिथौरागढ़ के अंदर जितने टेम्पल है तो उतने आपको एक्सप्लोर कराई रहा हूँ गाइस, आपको पता ही है। और कुछ यहाँ के ग्रामीण भी हैं, कुछ उतरा भी हैं, तो गाइस देख सकते हैं। और तो गाइस दर्शक देख सकते हैं जो टेम्पल है, टेम्पल के पीछे एक छोटी सी यहाँ पर रिवर ही बहती है आप लोग को बताऊँ तो। और जिसके यहाँ पर तुलसी माता को भी स्थापित किया गया आप लोग देख सकते हैं गाइस। तो तुलसी माता का भी काफ़ी अल्टीमेट बना रखा है मैंने यार, टेम्पल देख सकते हैं आप लोग। और जो टेम्पल का मेन ये है जो आपको दिखाओगे गाइस ये यार, तो काफ़ी अल्टीमेट बना रखा है मंदिर में आप लोग बताऊँ तो यार, नदी से नाम बना रहे हैं देख सकते हैं। उसकी यहाँ व्यवस्था है तो काफ़ी अच्छी है, बताऊँ तो देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पूरा टीचर नीचर सब स्टाफ यहाँ जैसे भागवत आवत चल रहा है गाइस, देख सकते हैं काफ़ी सही है यार आपको बताऊँ तो। और डेकोरेट जो किया गया है तो काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया आप लोग बताऊँ तो यार गाइस। तो हमने सोचा कि आज आपको भी दिखा दें यहाँ, तो गाइस देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों देख सकते हो तो कुछ टाइम पहले कैसी भीड़ थी अभी यहाँ पर, और जस्ट अभी तो अभी यहाँ के जितने लोग निकलते हैं तो सब लोग निकल चुके हैं आप लोगों को बताओ तो। और यहाँ हमारे मेहनत भी आए हैं यार, ऐसा है भाई दर्शन करने आज गुड़िया। तो गाइस देख सकते हैं यार रस्ते, तो मैं तो पहले पहुँच चुका था, तो यहाँ से कुछ दूर पहले लोग आए थे यहाँ ग्रास संभाल थे, तो सब निकल चुके हैं आप लोगों को बताऊँ तो गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग यार, तो अभी सांडे टाइप भी हो चुकी है थोड़ी यहाँ पर, तो शाम को टाइम यहाँ पर आरती भी होती है, मैं लोग बता रहे थे कि यहाँ पर आरती भी आपको होती है। तो क्या पता देखते टाइम होगा तो आ सकते हैं आगे, तो क्या पता गाइस तो आप लोग को दिखाएंगे, तो नहीं आएंगे तो आप लोग को देखते हैं गाइस क्या करते हैं। तो गाइस मिलते हैं आप लोग थोड़ी देर में। तो गाइस देख सकते हैं जो चटके से धाम दिखता है नाइट के टाइम में कैसा दिखता है आप लोगों को दिख रहा होगा गाइस। तो जस्ट मैं यहाँ से निकल रहा था आप लोगों को बताऊँ तो, काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को यहाँ पर, और टाइम हो चुका है अभी लगभग 8 बजने आ चुके हैं आप लोगों को बताऊँ तो गाइस। और जो नाइट के टाइम का व्यू होता है काफ़ी अल्टीमेट दिख रहा होगा आप लोग देख सकते हैं यार गाइस। तो जस्ट मैं निकल रहा था घर की ओर, तो मैं फर्स्ट आरती में तो नहीं पहुँच पाया लेकिन जो सेकंड आरती हुई तो सेकंड आरती में पहुँच गया था गाइस मैं, तो आप लोगों ने देखी होगी आरती। तो गाइस घर से घर को निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं रस्ते का ब्लॉग तो नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है, तो आप लोगों को बताऊँ तो गाइस देख सकते हैं पूरा एरिया। तो रात हो चुकी है गाइस, तो निकलते हैं घर की ओर, तो ब्लॉग तो नहीं करूँगा, रस्ते में मिलता हूँ आप लोगों को डायरेक्ट घर में अब। तो गाइस वो जो इधर रात यार मैं आ चुका था घर, तो जस्ट मैंने खाना ना भी खा लिया था, तो खाना ना खा के मैं जस्ट मैं अभी कमरे में आ चुका हूँ यार, और अभी तो सो चुकी है देख सकते हो गाइस।
तो ये ब्लॉग एंड करता हूँ गाइस मैं, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।